दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी वाले कहते हैं कि बीजेपी में आ जाओ तो सारे खून माफ हो जाएंगे। दरअसल दिल्ली में एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि बीजेपी में आ जाओ लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल किराड़ी में नए सरकारी स्कूलों का शिलान्यास करने पहुंचे थे। यहां पर केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर ले लिया। केजरीवाल ने कहा कि ये जो मर्जी षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे खिलाफ कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ मैं भी डटा हुआ हूं, मैं भी झुकने वाला नहीं हूं। ये कहते हैं कि बीजेपी में आ जाओ मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा कि मैं बीजेपी में बिल्कुल नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं कतई बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि बीजेपी में आ जाओगे तो सारे खून माफ हो जाएंगे लेकिन मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा और इनके खिलाफ डटा रहूंगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस को सत्ता रहा टूट का डर। विधायकों को दिल्ली से हैदराबाद भेज रही पार्टी। दरअसल पार्टी विधायकों के पाला बदलने की आशंका को देखते हुए कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में हुई बैठक के बाद पार्टी के विधायकों को दिल्ली से ही हैदराबाद भेज दिया गया। सभी विधायक विश्वास मत के दिन यानी 12 फरवरी को ही बिहार लौटेंगे। दरअसल बिहार में बदले सियासी समीकरण के बाद कांग्रेस विधायकों के एक धड़े का पार्टी से अलग होने की चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक हलकों में चल रही सटकलबाजी के बीच अब कांग्रेस विधायकों को अचानक से दिल्ली से सीधा हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले जेएमएम विधायक ने कर दिया बड़ा दावा। कहा अगर मेरी सलाह मान लेते हेमंत सोरेन तो नहीं जाना पड़ता जेल। दरअसल झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाते ही अब नई सरकार पर भी संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। नई सरकार का गठन होने के बाद आज फ्लोर टेस्ट होना है। सरकार बहुमत का दावा कर रही है लेकिन ये रहा उतनी भी आसान होने वाली नहीं है। दरअसल जेएमएम के एक विधायक ने फ्लोर टेस्ट से पहले बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ये विधायक कोई नहीं बल्कि वही लोबिन हेमरम है जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होने की बात कहकर सबको चौंका कर रख दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सोरेन सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और दावा किया है कि हेमंत सोरेन ने उनकी सलाह को नजरअंदाज किया जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा है। अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा में आज होगा फ्लोर टेस्ट। चंपई सरकार को आज साबित करना होगा बहुमत। दरअसल सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके गठबंधन सहयोगियों के लगभग 40 विधायक आज होने वाले शक्ति परीक्षण में शामिल होने के लिए हैदराबाद से वापस लौट आए हैं। सभी 36 विधायक और अन्य नेता चार्टर्ड प्लेन से सीधे रांची पहुंचे। रांची में सभी को सीधे सर्किट हाउस ले जाया गया। आपको बता दें कि आज झारखंड विधानसभा के सत्र से पहले विधायकों को विधानसभा ले जाया जाएगा जहां वे नव नियुक्त सरकार के बहुमत साबित करने के लिए वोटिंग करेंगे। फ्लोर टेस्ट के बाद ही विधायकों को छोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि मालूम हो कि 31 जनवरी को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने हिरासत में लिया है और फिलहाल हेमंत सोरेन जेल में है। आपको बता दें कि फिलहाल झारखंड में अब चंपई सरकार को आज बहुमत साबित करना होगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में लगने जा रहा बड़ा झटका। 15 विधायक अजीत पवार के गुट में शामिल होने को तैयार। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है। मिलिंद देवड़ा ने हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद मुंबई में पार्टी के पास कोई गद्दावर नेतृत्व नहीं है। पार्टी के भीतर और बाहर दोनों ही जगह पर इस बात की चर्चा है कि पूर्व मंत्री और बांद्रा विधायक बाबा सिद्दीकी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी पार्टी के अजीत पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। भाजपा के मौन समर्थन के साथ अजीत पवार गुट मुंबई कांग्रेस से दो अन्य प्रमुख मुस्लिम नेताओं के साथ साथ 15 विधायकों को भी शामिल करने पर विचार कर रहा है। उनमें मुंबा देवी विधायक अमीन पटेल और मलाड़ पश्चिम से विधायक असलम शेख भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है और 15 विधायक अजीत पवार के गुट में कभी भी शामिल हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, मराठा आरक्षण के विरोध में छगन भुजबल ने शिंदे की सरकार से दे दिया इस्तीफा लेकिन इस्तीफे को नहीं किया गया मंजूर। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री और राज्य के वरिष्ठ ओबीसी नेता छगन भुजबल ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने 16 नवंबर को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। छगन भुजबल ने यह दावा किया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें इस मामले पर
चुप रहने के लिए कहा था। एनसीपी नेता ने मराठों को ओबीसी वर्ग से आरक्षण देने के विरोध में अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ओबीसी के वरिष्ठ नेता और राज्य कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। साथ ही देवेंद्र फडणवीस का यह भी कहना है कि उनके इस्तीफा देने की असली वजह क्या है वो सिंधे ही बता पाएंगे। अगली बड़ी खबर है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर कपिल सिब्बल ने उठा दिए सवाल। बोले ईडी बताए कि हेमंत सोरेन को किस आधार पर किया गया गिरफ्तार। दरअसल राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर ईडी पर जबरदस्त हमला बोला है और इसे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि इस देश में क्या हो रहा है, भानु प्रताप और हेमंत सोरेन के बीच में कोई भी लेन देन, कोई भी संबंध, टेलीफोन पर बातचीत या फिर कोई मुलाकात नहीं हुई है। फिर ईडी ने हेमंत सोरेन को किस आधार पर गिरफ्तार किया है। ईडी पर निशाना साधते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी की विश्वसनीयता पर कई बार सवाल उठाए गए हैं। पहले भी मैंने आपको कई नाम बताए हैं जिन्होंने चुनाव लड़े हैं और खुद बताया है कि उनके खिलाफ कौन से आपराधिक मामले हैं, लेकिन वे बीजेपी से जुड़े हैं, उनकी सरकारों से जुड़े लोग हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही कई प्रदेशों की ये जानकारी ईडी को मालूम है तो वे वहां पर जाकर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक ही लक्ष्य है कि विपक्ष को टारगेट करके सत्ता से हटाना है। कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष प्रचार ना कर पाए। जब प्रचार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इसके दुष्प्रभाव ही होंगे। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एकला चलो पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिया करारा जवाब। बोले 42 सीटों पर चुनाव लड़ना सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई भी बात नहीं बनी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये पहले ही कह चुकी है कि उनकी पार्टी राज्य की 42 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर ईमानदारी से टीएमसी के साथ में बैठकर बातचीत करेगी और जब तय हो जाएगा उस समय इसकी घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में वो सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि ये उनकी लड़ाई है, लेकिन जब हम गठबंधन में होते हैं तो बातचीत होती है, हम कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि हमारी ओर से उनका 42 सीटों पर लड़ना कोई सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं है। अगली बड़ी खबर, मायावती के सांसद मलूक नागर ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा हम गठबंधन में नहीं गए तो हम पर ईडी के डर के लगे आरोप, तो फिर अब क्यों बिखर रहा इंडिया गठबंधन। दरअसल इंडिया गठबंधन में लगातार तकरार और एक के बाद एक साथियों के साथ छोड़ने को लेकर बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर ने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप कमजोर है और पूरे तरीके से कंफ्यूज्ड है। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के सनातन के खिलाफ बयानबाजी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बसपा सांसद नागर ने यह भी कहा कि 2024 में अगर देश में बीजेपी की सरकार बनती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी, क्योंकि सबसे बड़े दल होने के नाते वे इंडिया गठबंधन के साथियों को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश राजस्थान चुनावों में भी कांग्रेस नेताओं के बयानों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए मलूक नागर ने कहा कि जब शुरू में इंडिया गठबंधन बना था तो बसपा इस गठबंधन में नहीं थी, तो सब हमको कहते थे कि सीबीआई से डर रहे हैं, इनकम टैक्स से डर रहे हैं, ईडी से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में एक एक करके सारे प्रदेशों के लोग इंडिया गठबंधन से अलग होते जा रहे हैं। कांग्रेस दूसरों को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचती है और भ्रांति फैलाती है। उन्होंने कहा कि असली बात यह है कि कांग्रेस का खुद लीडरशिप कमजोर है, कंफ्यूज्ड है, इसीलिए 3 साल तक वो अपना अध्यक्ष नहीं बना पाए। अगली बड़ी खबर, विधायकों को तोड़ने के मामले में बीजेपी पर जमकर बरसी आतिशी। विधायकों की खरीद फरोख्त पर कर दिया बड़ा खुलासा। दरअसल दिल्ली के मंत्री आतिशी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों के खरीदने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम उनके घर पर सबूत मांगने पहुंची है। इसी के जवाब में आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया है। आतिशी ने बताया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों से उन्हीं लोगों ने संपर्क किया जो पिछले 7 वर्षों से अलग अलग राज्यों की सरकारों को तोड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी का हमलावर अंदाज दिखा। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को करोड़ों रुपए के ऑफर उन्हीं लोगों ने दिए हैं जिन्होंने 2016 में उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 विधायकों को तोड़कर उन्हें बीजेपी में शामिल किया था। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कुछ अन्य उदाहरण भी दिए। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि मैं क्राइम ब्रांच के राजनीतिक काकाओं को यह बताना चाहती हूं कि आपको भी पता है कि वो कौन लोग हैं जो पिछले 7-8 साल से एक एक के विपक्ष की सरकारों को तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो वही लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के एमएलए से संपर्क कर रहे हैं।
आड़ी बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव ने कह दी बड़ी मांग। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन में जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो। उन्होंने दावा किया कि उनकी कोशिश है कि सीट का बंटवारा जल्द हो जाए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी कोशिश है कि सीट का बंटवारा जल्दी हो और इसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। बता दें कि कांग्रेस की मांग यूपी में 20 सीटों की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मात्र 11 सीटें दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का रुख है कि वो 11 सीटों पर राजी नहीं है। गठबंधन में राष्ट्रीय लोक दल को भी 7 सीटें दी जा सकती हैं। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बने इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों की शेयरिंग पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 16 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है, जिससे कांग्रेस पार्टी काफी नाराज बताई जा रही है। बड़ी बड़ी खबर, पीडीए की तारीफ करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कर दिया बड़ा दावा, बोले अपनों से ही हारेगी बीजेपी। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीडीए में विश्वास करने वालों का हवाला देते हुए कहा कि एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों की 90% आबादी इस बार पीडीए के लिए एकजुट होकर वोट करेगी और बीजेपी के समीकरण तथा फॉर्मूले इस बार फेल हो गए हैं। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी अपनों से ही हारेगी। यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में काफी पीछे रह गई है और उसे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कोई भी हारने के लिए लड़ना नहीं चाहता है। अखिलेश यादव ने पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के लिए पीडीए शब्द गढ़ा है और आगामी लोकसभा चुनाव में सपा पीडीए पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इसी कारण ना कोई गणित बैठा पा रही है ना कोई समीकरण, इसीलिए बीजेपी के पिछले सारे फॉर्मूले इस बार फेल हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में बहुत पीछे हो गई है, बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां तक कि बीजेपी के मुख्य समर्थक रही महिलाएं भी इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हारने के डर से बीजेपी का टिकट लेकर कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के एक तरफा फैसले से यूपी में टूट सकता है इंडिया गठबंधन। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए भले ही इंडिया गठबंधन बना हो, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव उसमें एक तरफा फैसले ले रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी नाखुश है, लेकिन कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व खुलकर नहीं बोल रहा है, इस कारण यूपी में इंडिया गठबंधन टूट सकता है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि यूपी में कांग्रेस का संगठन कमजोर है और समाजवादी पार्टी को भी ये बात पता है। यही कारण है कि सपा इंडिया गठबंधन में अपने को एक बड़ी भूमिका में रखना चाहती है। नीतीश कुमार के जाने के बाद समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पर अपना दबाव बनाने का भी मौका मिल गया है। इसी कारण से उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को बिना बताए ही रालोद के साथ में गठबंधन कर लिया और रालोद को 7 सीटें भी दे दी। जब तक ये चल ही रहा था कि इसी बीच समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटें देने की घोषणा कर दी। इसके बाद 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस पार्टी ज्यादा नाराज है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी सीट शेयरिंग अपने हिसाब से ही करेगी, वो यूपी में कांग्रेस को भाव देने वाली नहीं है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन में लीड भूमिका अदा कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार गठबंधन धर्म की अवहेलना कर रही है। यही कारण है कि यूपी में इंडिया गठबंधन जल्द टूट सकता है। अगली बड़ी खबर, जीतनराम मांझी के मास्टर स्ट्रोक से बिहार की सियासत में मची खलबली, हम बोली सभी विकल्प खुले हैं। दरअसल हम के संयोजक जीतनराम मांझी की मांग पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। वहीं इस मांग पर हम के प्रवक्ता विजय यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमको 2 मंत्री पद मिलना चाहिए, सभी विकल्प खुले हैं, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। बता दें कि महागठबंधन छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं। बिहार की नई एनडीए सरकार में जीतनराम मांझी 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। साथ ही हमने रविवार को एनडीए नेतृत्व को बड़ा संदेश दे दिया है। जीतनराम मांझी की मांग पर बिहार में बयानबाजी काफी तेज हो गई है। इस मांग पर आरजेडी का कहना है कि जीतनराम मांझी पहले ये तो तय करें कि किस पाले में रहना है। अवली बड़ी खबर, जीतनराम मांझी को लेकर आरजेडी सॉफ्ट, तो बीजेपी ने नीतीश कुमार पर छोड़ा फैसला, शक्ति यादव बोले कुछ दिनों में जेडीयू हो जाएगी खत्म। दरअसल एनडीए सरकार में जीतनराम मांझी की मांग पर बिहार की राजनीति में खूब बयानबाजी हो रही है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी बड़ा खेला करने वाली है, कुछ दिन में जेडीयू खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया उन लोगों ने बहुत घटिया स्तर की बयानबाजी नीतीश कुमार को लेकर लगातार की थी।
ही महागठबंधन में जीतनराम मांझी आते हैं तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि पहले जीतनराम मांझी निर्णय तो लें कि उनको एनडीए में रहना है या फिर महागठबंधन में आना है, तब आगे विचार होगा। तो वहीं इस पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में गेंद डाल दी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा कि जीतनराम मांझी की मांग पर निर्णय नीतीश कुमार ही लेंगे। आड़ी बड़ी खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव को बुलाएगी कांग्रेस पार्टी। जयराम रमेश ने दे दिए बड़े संकेत। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को आमंत्रित कर सकती है। इस आशय के संकेत पार्टी नेता ने दिए हैं। दरअसल शनिवार को बलरामपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता। अब इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने जवाब दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर जयराम रमेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विस्तृत रूट और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। एक से दो दिन में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद इसे राज्य में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ भी साझा किया जाएगा। उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेना इंडिया गठबंधन को और मजबूत करेगा। जयराम रमेश ने कहा कि 16 फरवरी की दोपहर को यात्रा के यूपी में प्रवेश करने की उम्मीद है। आपको बता दें कि जयराम रमेश के बयान से ऐसा मालूम होता है कि इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव को निमंत्रण देगी। अगली बड़ी खबर, क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव? बोले, मुझे न्योता नहीं मिला है। दरअसल विपक्षी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर जिस स्तर पर बात होनी चाहिए वो हो चुकी है और उनको जानकारी भी दी जा चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है, जीत और सीट के हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान से उनकी बात हो चुकी है, सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी दुविधा नहीं है। प्रमुख ने राहुल गांधी नेता कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर कहा कि अभी तक उनको न्योता नहीं मिला है। कई बार ऐसा हुआ है कि जब कार्यक्रम खत्म होने पर उनको बुलाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर कहा कि भाजपा ने न जाने कौन सा जादू कर दिया कि वो एनडीए में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का मुद्दा खत्म नहीं होगा बल्कि समाजवादी पार्टी इसे आगे बढ़ाएगी, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर चाहते थे कि लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से सम्मान मिले। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि अभी तक उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को सौंपा नोटिस, कहा 3 दिन में बताएं बीजेपी से संपर्क वाले 7 विधायकों के नाम। दरअसल दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों ने 5 घंटे के नाटकीय घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर उन्हें एक नोटिस तामील कराया। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों की भाजपा द्वारा खरीद फरोख्त का प्रयास किए जाने के उनके आरोपों पर 3 दिनों के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री केजरीवाल को नोटिस तामील कराया है, वो लिखित रूप में 3 दिनों के अंदर जवाब दे सकते हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।